हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। बताएंगे आपको ये सिज़ोफ्रेनिया क्या है, सिज़ोफ्रेनिया का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये किन कारणों से होता है, सिज़ोफ्रेनिया हो जाने पर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी जो है हमारी होम्योपैथिक दवा जो है सिज़ोफ्रेनिया हो जाने पर काम आती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इससे छुटकारा पाना जो है मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, कई बार जो है इस बीमारी से जो है पीड़ित व्यक्ति जो है इस कदर जो है निराश हो जाता है कि उसे जो है आत्महत्या के अलावा जो है दूसरा कोई जो है रास्ता नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, इस बीमारी का होने का जो समय होता है, खास करके बचपन में या फिर जो है किशोरावस्था में जो है बीमारी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। खास करके 16 साल की उम्र के लोगों से लेकर के 30 साल के बीच में यह बीमारी जो है ज़्यादा देखी जाती है। दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया जो है को लेकर जो है कई प्रकार की जो है भ्रांतियाँ हैं और इन भ्रांतियों पर विशेष जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वास्तव में भ्रांतियों को लेकर के इस बीमारी से जो है कोई खास लेना देना जो है नहीं होता है। दोस्तों, इस बीमारी में खास करके जो मनुष्य इस बीमारी से पीड़ित होता है उस जो है मनुष्य में जो है खास करके वास्तविक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। वह वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं को जो है समझने की जो शक्ति जो है खो देता है और उसकी प्रतिक्रिया जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है बिल्कुल ही नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सिज़ोफ्रेनिया के रोगी लगभग जो है 1% हैं और वहीं भारत में जो है सिज़ोफ्रेनिया जो है खास करके जो मरीज जूझ रहे हैं उनकी संख्या जो है लगभग 40 लाख के लगभग है। दोस्तों, इस बीमारी जो है का जो है इलाज जो है करवाने में 90% लोग जो है भारत जैसे विकसित देशों में देखे जा सकते हैं, जिसमें गरीब और जानकारी के अभाव में जो है लोग अस्पताल तक जो है जाना पसंद नहीं कर सकते। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे कि इस बीमारी का हमारे शरीर पर जो है क्या प्रभाव है। दोस्तों, चर्चा करेंगे इस बीमारी के जो है क्या कारण है। दोस्तों, इस बीमारी के जो है कई वजह हैं, खास करके इसमें जो पहला वजह है वो है आनुवंशिकी। दोस्तों, अगर आपके फादर मदर में जो है ये बीमारी है तो आप में भी होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण एक बहुत बड़ा कारण है, आपके आसपास का पर्यावरण कैसा है यह भी आपके जो है बीमारी पर जो है निर्भर करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है दिमाग में जो है न्यूरोकेमिकल्स का असंतुलन एक महत्वपूर्ण कारण है। तनावपूर्ण जीवन जो है इस बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है और इसके अलावा जो है खराब पारिवारिक रिश्ते भी इस बीमारी के जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आपके साथ किसी प्रकार दुर्घटना हुई है वह भी जो है कारण हो सकता है इस बीमारी के सिज़ोफ्रेनिया के। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक जो है परिवारों में जो है सिज़ोफ्रेनिया जैसे माता पिता या दूसरी पीढ़ी में यहाँ नहीं पाई गई है, उनमें जो है अगली पीढ़ी में यह होने की गुंजाइश लगभग जो है 1% जो है कम होती है। वही इससे ग्रसित होते हैं जिनके जो है देखा गया है कि उनके फैमिली में किसी को जो है अगर है तो ऐसे समय में इनको होने की संभावना जो है 10% जो है ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमारे दिमाग में पाया जाने वाला केमिकल जिसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, अगर उसमें असंतुलन हो जाए तो भी जो है सिज़ोफ्रेनिया की जो है बीमारी हो सकती है। किसी इंसान को जो है यह बीमारी अपने चपेट में जो है आसानी से ले सकती है। ब्रेन में मौजूद केमिकल्स जिनका नाम जो है दोस्तों डोपामाइन और सीरोटोनिन जो है जिन्हें कहते हैं,
उनमें असंतुलन से जो है सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी जो है हो सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जिसमें जो है मैरिजुआना और LSD जैसी जो है दवाएं जो है भी कारक हैं सिज़ोफ्रेनिया की। अब दोस्तों चर्चा करेंगे सिज़ोफ्रेनिया हो जाने पे हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसे मरीज जो है एक प्रकार का भ्रम पाल लेते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें तंग कर रहा है या खुद ही अपने आप को वो काफ़ी ताकतवर जो है महसूस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा उनको जो है भ्रम हो जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है ऐसे मरीज अपने अंदर जो है दैवी शक्ति का अनुभव करने लगते हैं, जैसे लगता है कि कोई देवी देवता उनके अंदर आ गया है और बहुत वो ताकतवर हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे मरीजों को तमाम तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जिनका जो वास्तविकता से जो है कोई मतलब नहीं होता है। इसे एक तरीके से जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तव में इस तरह की जो है आवाज़ नहीं होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई उनसे बातें कर रहा है, कोई बोल रहा है, इस तरह का जो है उनको महसूस होता है। इसके अलावा उनको काल्पनिक स्वाद, काल्पनिक सुगंध भी जो है महसूस होना जो है शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति को जो हम हैल्यूसिनेशन भी जो है कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे मरीजों के जो है बातों में एकरूपता नहीं होती है, वो एक बिंदु पर चर्चा करते करते किसी दूसरे जो है टॉपिक पर चर्चा शुरू कर देते हैं और उनके बातचीत में कोई तारतम्य नहीं होता है। अन्य लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि अचानक जो है ये मुद्दे से जो है कैसे भटक गया और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कैसे जो है छलांग लगा लिया। तो दोस्तों ऐसे मरीजों में बातचीत के जो तारतम्य होता है उसका अभाव होता है। दोस्तों ऐसे लोगों को लेकर जो है खास करके मोटिवेशन का अभाव होता है, वो दोस्तों ज़रूरी कामों को करने से भी जो है बसते जो है नज़र आते हैं। इतना नहीं, उन्हें सुख दुख की जो है घड़ी में भी जो है उनका जो है उद्गार जो है प्रकट नहीं हो पाता है, वो या तो उदासीन होते हैं या तटस्थ होते हैं। दोस्तों इनका जो है व्यवहार जो है परिस्थितियों के जो है बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों ऐसे मरीज जो है समाज से जो है दूरी बना कर जो है रहना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि कोई उनको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, वो इस कदर अपने जो है दिमाग में जो है भ्रम पाल लेते हैं और ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि जो है अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों से बातें करेंगे तो जो हमें जो है नुकसान पहुँचाएंगे। दोस्तों अक्सर वो जो है काल्पनिक चीज़ों को जो है असली मानने लगते हैं और वो दवा भी जो है खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको खाने के लिए दवा दिया जाता है तो उनको ऐसा लगता है कोई हमको जहर दे देगा और यह जो है दवा नहीं है, जहर है और यह दवा जो है हमको मार देगा। दोस्तों ऐसे लोगों को ध्यान केंद्रित करने में जो है दिक्कत होती है और किसी भी चीज़ को जो है वो याद नहीं रख पाते हैं और अपने भविष्य को लेकर के जो है किसी प्रकार की जो है योजनाएँ नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि मरीज़ का व्यवहार जो है सामान्य से जो है हट करके जो है सिज़ोफ्रेनिया में हो जाता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं सिज़ोफ्रेनिया के कितने प्रकार हैं। दोस्तों सिज़ोफ्रेनिया के लगभग 3 प्रकार हैं, उसमें जो है पहला होता है पॉजिटिव सिम्टम्स। दोस्तों सिज़ोफ्रेनिया का जो पॉजिटिव सिम्टम्स है इसमें जो है काल्पनिक चीज़ों को लेकर के मन में जो है भ्रम जो है या डर पैदा हो जाता है और वो जो है कल्पनाओं में जो है जर्नली खोया रहता है। अगला दोस्तों इसमें आती है नेगेटिव सिम्टम्स। दोस्तों ऐसे मरीज में जो है हताशा और निराशा में जो है जीना शुरू कर देता है। इस तरह के मरीजों की कुल संख्या जो है सिज़ोफ्रेनिया में लगभग जो है 25% होती है, जिनमें जो है आत्महत्या करने की जो है प्रवृत्ति जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला दोस्तों जिसमें प्रकार है इमोशनल सिम्टम्स। दोस्तों इमोशनल सिम्टम में इसमें जो भी ऐसे मरीजों को जो है नकारात्मक श्रेणी में जो है रखा जाता है, जहाँ सुख दुख की परिस्थितियाँ जो है उनके चेहरे पर जो है उद्गार प्रकट नहीं होता है और इसके अलावा जो है उनके सोचने और समझने की क्षमता में भी जो है ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। दोस्तों ऐसे लोग किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और अपने भविष्य को लेकर किसी तरह की जो है योजनाएँ नहीं बना पाते। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया जो है 3 प्रकार का होता है, खास करके पहला होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स, तीसरा होता है इमोशनल सिम्टम्स। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कि हमारी कौन कौन से होम्योपैथिक दवाएं हैं जो सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में काम आती है और मरीज इसको लेकर के अपनी समस्याओं को कम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवाएँ जो दोस्तों सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, इसको ठीक करना
मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों अगर कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनको अगर लक्षणों के अनुसार दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है सिजोफ्रेनिया मरीज़ जो है सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है और सामान्य लोगों की तरह से जो व्यवहार कर सकता है। दोस्तों इसमें पहली दवा जो आती है लैक्सिस। लैक्सिस जो है सिजोफ्रेनिया की बहुत अच्छी दवा है। लैक्सिस 200 पावर में लेकर के नित्य अगर 5 बूंद एक बार दिया जाए तो ऐसे मरीज़ जिन्हें शक करने की आदत हो, किसी पर विश्वास न कर पाते हों, यहाँ तक कि अगर कोई दवा देता है तो भी उनको लगता है, शक होता है कि ये जो है दवा नहीं जहर दिया जा रहा है, ऐसे शक्की मरीज़ को जो है लैक्सिस अगर 200 पावर में एक बार नित्य सुबह दिया जाए और लगातार जो है 4 से 6 महीने तक उसका जो है उपयोग कराया जाए तो धीरे धीरे उनके अंदर जो शक की भावना है, जो है सस्पिशियस नेचर जो उनका है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें जो आती है नक्सोमिका। नक्सोमिका भी जो है सिजोफ्रेनिया के मरीज़ के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद दवा है। ऐसे मरीज़ लड़ना झगड़ना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, तो ऐसे मरीज़ जिनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नक्सोमिका बहुत ही अच्छी दवा है। नक्सोमिका 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य जो है 4 से 6 महीने तक यूज़ किया जाए तो उनके चिड़चिड़ापन वाले स्वभाव में जो है काफ़ी कमी आती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस जो है सिजोफ्रेनिया के मरीज़ के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, ख़ास करके ऐसे मरीज़ जिन्हें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हों जो वास्तव में नहीं होती है। ऐसे मरीज़ जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो और तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दें, ऐसे मरीज़ के लिए एनाकार्डियम बहुत ही अच्छी दवा है। एनाकार्डियम 200 पावर में लेकर के एक बार नित्य 5 बूंद सुबह 4 से 6 महीने तक अगर उपयोग कराते हैं तो उनकी समस्याओं में धीरे धीरे कमी आ जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी जो है सिजोफ्रेनिया की बहुत अच्छी दवा है। ऐसे मरीज़ जो घबराए हुए रहते हों, परेशान हो, जो जिनके अंदर एनग्जाइटी हो, रेस्टलेसनेस हो, ऐसे मरीजों को आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य सुबह लगातार 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं तो धीरे धीरे उनकी समस्याएं जो है कम हो जाती हैं। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है हायोसाइमस। हायोसाइमस भी जो है सिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छी दवा है, ख़ास करके मरीज़ को ऐसा लगे कि कोई मुझे जहर देगा, उनके अंदर जो है लैक्सियस मेनिया हो और ख़ास करके इसके बाद उनको पॉइजन देने का डर हो कि हमको कोई पॉइजन देगा, तो ऐसे समय में हायोसाइमस बहुत अच्छा वर्क करेगा। हायोसाइमस 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य सुबह 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं तो ये जो है काफ़ी अच्छा लाभ करेगा। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है फास्फोरस। फास्फोरस भी सिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छी दवा है, ख़ास करके अगर मरीज़ घर के भी सदस्यों से बातचीत न करे, उनसे दूर रहे और इंटरटेन ना हो किसी तरीके से, तो ऐसे मरीजों को फास्फोरस बहुत अच्छा वर्क करता है। फास्फोरस 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य जो है लगातार 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं, धीरे धीरे उनकी समस्याएं जो है कम हो जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है बेराइटाकार। बेराइटाकार भी सिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छी दवा है, ख़ास करके ऐसे मरीज जिनको ऐसा महसूस होता हो कि लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं और हमें जो है किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा सकते हैं, लोग हमारी शिकायत बात जो है बातों में कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए जो है बेराइटाकार बहुत अच्छी दवा है। बेराइटाकार 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य जो है 4 से 6 महीने तक उपयोग किया जाए तो ऐसे मानसिक लक्षणों में धीरे धीरे कमी आ जाती है और मरीज जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका ऐसे मरीजों के लिए जिनके बातचीत में कोई तारतम्य ना हो, एक बिंदु पर बात करते करते दूसरे टॉपिक पर चले जाते हों और जो है किसी एक जगह उनके विचार स्थिर ना होते हो, ऐसे मरीजों के लिए कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है। कैनाबिस इंडिका 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य जो है 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं तो बातों में तारतम्य ना होना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चले जाना, अनाप शनाप बातें करना, ऐसे मरीजों के लिए कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है प्लैटिनम। प्लैटिनम खास करके ऐसे मरीजों को जिसके अंदर जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जो लोगों को हीन भावना से देखता हो, वो सोचता हो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, लोग हमारे नीचे हैं, अगर इस तरह का मानसिक लक्षण दिखाई देता है तो प्लैटिनम 200 पावर में लेकर के एक बार नित्य जो है 5 बूंद जो है 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं तो धीरे धीरे इस तरह का मानसिक लक्षण है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों में आती है मेडोराइनम। मेडोराइनम का मरीज़ काल्पनिक दुनिया में रहता है, फैंटेसी की दुनिया में रहता है और उसको जो है सब चीज़ जो है काल्पनिक दिखाई देता है,
जो वास्तविकता से इसका जो है कोई मतलब नहीं होता। ऐसे मरीजों के लिए जो है खास करके मेडोराइनम बहुत अच्छी दवा है। मेडोराइनम 200 पावर में लेकर के 5 बूंद एक बार नित्य जो है लगातार 4 से 6 मिनट तक उपयोग कराया जाए, धीरे धीरे ये समस्या जो है ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की बात मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। दोस्तों सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी तो है ही और बड़ी मुश्किल से जो है ये ठीक होती है। ऐसे मरीजों को जो है बहुत प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, उनको जो है खास करके मानसिक सहयोग की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीजों को जो है बहुत सावधानी से ट्रीट करना होता है, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए दवाओं के लक्षणों से मिलान करते हुए अगर हम जो है उनके रोगों को होम्योपैथिक दवा देते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और धीरे धीरे काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आज जो है सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बातचीत। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाए तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुँच सके, आपको रोगों के बारे में होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। तो इसी साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।